सुपेला स्थित देशी शराब दुकान को हटाने के लिए युवा शक्ति के बैनर तले स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। शराब भट्टी नहीं हटाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। निरंतर युवा शक्ति संगठन के द्वारा यहाँ क्षेत्र से दारू भट्टी हटाने के लिए, इस घनी बस्ती से दारू भट्टी हटाने के लिए एक मांग पत्र जिले के प्रशासन से किया गया था। जिलाधीश के द्वारा एक आदेश आयुक्त नगर निगम भिलाई को आता है कि यहाँ से स्थानांतरण इस दारू भट्टी का किया जाए और संस्था के लोगों को इसके लिए कलेक्टर से लेटर आता है। उसके बाद भी, उस आदेश के बाद भी, इस यहाँ से दारू भट्टी नहीं हटाई जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह रोड लगभग आधी विधानसभा को प्रभावित करते हैं। इस रोड में पूरे चारों तरफ अंधकार है, घनी आबादी के बीच में यह रोड है। उसके बाद भी यहाँ से नहीं हटाया जाना, निश्चित कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की अवहेलना कर रहा है नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन ये क्यों कर रहा है ये नगर प्रशासन जाने। आज पूरा शहर, पूरा देश दारू से मुक्त चाहता है, लेकिन इस यहाँ की जनता दारू से त्रस्त है, दारू की दुकान से त्रस्त है। आप देख रहे होंगे कुछ दिन पूर्व यहाँ एक बच्ची की हत्या हो जाती है। ये 3 हत्याएं यहाँ हो चुकी है दारू भट्टी के आने के बाद। मैं आपके चैनल के मार्फत से यहाँ के आयुक्त से निवेदन करता हूँ, कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि यहाँ से दारू भट्टी हटा करके किसी अन्य स्थान पर इसको ले जाएँ। आबकारी विभाग हो, जिला कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, आबकारी मंत्री हो, सारे मंत्री लेवल से लेके नगर सरकार तक का हमने आवेदन यहाँ पर दिया है और अपने बात को शांति ढंग से रखे हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद भी यहाँ नगर पालिक निगम भिलाई की कमिश्नर अगर इस बात का संज्ञान नहीं लेता है कि बहुत ही दुखद विषय है। 15 दिन का समय लेने के पश्चात आज 3 माह बीत गया, लेकिन उसको समझ में अभी भी नहीं आया। मैं बार बार बोलता हूँ आईएएस अधिकारी को इसका पालन नहीं करना एक बहुत बड़ी एक विषय को संदेश देता है। निश्चित तौर पर मैं मांग करता हूँ कि यहाँ पर लगातार इस मुख्य मार्ग पर 3 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस के जवान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपने काम के लिए आते हैं, रोज उनसे विवाद होता है, वो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने दुकानदारी करते हैं। इस व्यक्ति को वो अपने दुकान के सामने से गाड़ी हटाने बोलेगा, रोज विवाद होता है, ये परिस्थिति उसको रोज जूझना पड़ता है। अभी 30 मार्च को सुमन साहू, एक 15 वर्ष की बच्ची है, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये बहुत सारे विषय है और जिला प्रशासन अभी भी मौन है, ये समस्या पर है।